ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं बीसीजी ग्रुप के बारे में गाइस, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टरों की और सभी की स्कोप बनी हुई है कि इसमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना चाहिए गाइस। बीसीजी ग्रुप के बारे में, ब्राइट क्रोम ग्रुप के बारे में गाइस आप यहाँ पे देखेंगे। या इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस चल रहा है वो 23.90 रुपये का चल रहा है और यहाँ पे 1.27% की तेज़ी देखने को मिली है। इसका 9.35 रुपये का और 52वीं हाई है इसका 51.40 रुपये का। और जो इसका मार्केट कैप है गाइस, वो मार्केट कैप मात्र इसका देखेंगे आप तो 4,824 करोड़ का है। और ये कंपनी डिविडेंड देती है गाइस, 0.42 का डिविडेंड ये कंपनी पे करती है गाइस। और इस सेक्टर का पी रेशो है 29.56 का। और उसके अलावा यदि हम ट्रेलिंग 12 मंथ की पी रेशो देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो वो 3.52 की है। और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे वो 0.69 पे अभी की बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसकी बुक वैल्यू है 34.68 की। और यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो 6.79 का है गाइस। और यहाँ पे जो कुछ और पैरामीटर आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये अपनी बुक वैल्यू से अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी सस्ता है ये शेयर गाइस अपनी जो रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग। और इसकी फेस वैल्यू 2 की है। और उसके अलावा यदि हम इसके चार पैरामीटर पर देखें तो चार पैरामीटर पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है अभी तक तो ये शेयर आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है ब्राइट क्रोम ग्रुप का, लेकिन मेजर जो सपोर्ट लेवल है ब्राइट क्रोम ग्रुप शेयर का वो 19.32 रुपये का है गाइस। और उसके अलावा यदि हम इसके कुछ और पैरामीटर देखें जिसमें कि इसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट वगैरह हैं वो भी देख लेते हैं और इसकी रिटर्न वाइज देखें कंपनी में, तो इसने 3 सालों में 661% के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डरों को और अब 3 मंथ में 155% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न वाइज तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए गाइस। और यहाँ पर शेयर की फ्लक्चुएशन देखेंगे काफ़ी अच्छी होती रहती है। और यहाँ पे आप देखेंगे भी एक थोड़ी बहुत न्यूज़ आई थी 22 जून की, तो वो है ब्राइट क्रोम स्मैप 12 डे गेनिंग द शार्क फ्रीज इन द लोअर सर्किट, यानी कि 12 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लोअर सर्किट लगे थे वो कुछ कवर किया गया है। और यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देखेंगे तो 97% लोग बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 2% लोग सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 1% लोग इसमें होल्ड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और हम सीधा हम देखेंगे इसके अभी जो FIDIs की होल्डिंग है वो कम हो रही है कि जो इसके प्रमोटर हैं उनकी क्या इसमें अपडेट है गाइस हिस्सेदारी में, वो कहीं नेगेटिव फैक्टर तो नहीं बन रहा है इस शेयर में, वो ज़रूर हम काउंट करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो रेवेन्यू वाइज कंपनी काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू वाइज, 2019 में 2580 करोड़ का था रेवेन्यू और 2023 में आप देखेंगे 7396 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। तो रेवेन्यू वाइज कंपनी काफ़ी सस्टेनेबल लग रही है और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी सस्टेनेबल लग रहा है। और 2019 से इसने अपना जो 5 सालों में नेट प्रॉफिट 300% बढ़ा लिया है, तो कहीं ना कहीं वो ही इसकी रिटर्न देने की कैपेसिटी को दर्शाता है गाइस। तो और